नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। जय हिंद। हरियाणा अपडेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज फौजी। आज गांव खेड़ी के अंदर जो हमारे गौ रक्षक हैं, वो कुछ इस प्रकार से गौओं की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे आके जो एक यहाँ पे आमतौर पे एक बीमारी चली हुई है, जो एक महामारी का रूप ले रही है। प्रतिदिन हर गाय के अंदर, हर पशु के अंदर, जितनी भी गायें हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार से यहाँ पे ये जो लड़के खड़े हैं, जो ये गो भक्त हैं, ये किस प्रकार से गायों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लड्डू बनाए हुए हैं और एक गाय को एक लड्डू दिया जाता है। ये इसमें देसी घी है, गुड़ है और जो भी इसमें दवाई है, वो दवाइयां यहाँ पे ये मिलाते हैं, आते हैं और जहाँ पर भी पशु मिलते हैं उनको बांध करके, आप देख पा रहे हैं ये पशु, 6-7 पशु यहाँ पे बांधे हुए हैं, गाय है ये बांधे हुए हैं, इनको इस प्रकार से दवाई देते हैं। और ऐसा भी नहीं है, गांव के अंदर जहाँ भी हैं, गांव के अंदर जाते हैं, कोई भी बताता है ये बीमारी यहाँ पे, ये पशु है, वहाँ पे जाके उनकी सेवा करते हैं। और इसी प्रकार से इनको काफी दिन हो गए करते हुए, और आज मैं आप इनसे रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका नाम बताएं और आप कब से ये कार्य कर रहे हैं, थोड़ी बताने की कोशिश करें। हमें काफी दिन हो गए इसको, जब महामारी चली थी तब से दे रहे हैं। बाकी आज और ज्यादा पशुओं को पकड़ा हमें, पहले 20-25 और इनको अभी देंगे, अभी दिया नहीं है, अब लड्डू बना के तैयार कर रखे हैं, तो अब हम देने का वो करेंगे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, देसी घी है, इसका खर्चा कौन देता है, ये जो दवाई लेके आते हो इसका खर्चा कौन देता है, आप किस प्रकार से ये सेवा कर रहे हो, थोड़ा बताइए। नमस्कार सर, मैं सोमवीर सिंह, गांव खेड़ी से। तो ये दवाई हमको ये पंसारी की दुकान से पता लगा था, और उसके बाद में हम सारे ये जो गांव के यूथ है, इन सब ने इकट्ठा होके इस दवाई को एक मिलावट के रूप में तैयार किया गया, जैसे कि काला जीरा हो गया, मुलेठी होगी, आंवला हो गया, मजीठ हो गई, सनाई पत्ती होगी, उन सबको मिक्स करके हमने ये दवाई बनाई है। एक बार इधर दिखा दीजिए आप दवाई की तरफ, ये इकट्ठा किया है और ये जो गाय वगैरह है और ये बछड़ी वगैरह बंध रही है, तो हम इनको देने लग रहे हैं। सुबह से ये सारी टीम काम कर रही है, और जब से महामारी चली थी, जब से सोनू भाई गौ रक्षक दल के जो अध्यक्ष है, स्टार्टिंग से इनकी अगुवाई में ये सारा काम हो रहा है। और मनोज जो फौजी भाई है, ये इन्होंने थोड़ा सा आगे काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो हम इन सब की अगुवाई में सारे लोग इकट्ठे हो गए तो इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गाय माता जो महामारी से हम बचा सके, एक एक लोग अपनी सेवा दे सके, मदद कर सके। और सब ये इकट्ठा जो खर्चा पानी है, ज्यादा सोनू भाई कर रहे हैं, बाकी सब जिससे जो बन रहा है वो धीरे धीरे अपना कुछ दे रहे हैं। जैसे कोई दवाई लानी है, कोई गाय के लिए अलग से इंजेक्शन लाना है, कोई रस्सा लेके आना है, तो सारे मिल बांट के हम लोग करने लग रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गांव की सेवा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो भी खर्चा होता है, चाहे वो रस्सी का है, पकड़ते हैं गांव को, बांधते हैं, उसके बाद में उसको दवाई दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, उसको पानी पात पिलाते हैं, गायों की यहाँ पे एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो 3 दिन में क्या करते हैं, ये सभी गायों को इसी प्रकार से बांध कर रखते हैं, उनको यहीं पर पानी पिलाया जाता है, यहीं पर चारा खिलाया जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे दवाई दी जाती है, और 3 दिन के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। ये लगातार कार्य कर रहे हैं काफी दिन से, और ये जितने भी भाई खड़े हैं ये सभी इसी प्रकार से इसी कार्य में संलिप्त हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हर गांव में इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, ताकि जो हमारे पशु हैं इनको मतलब इस बीमारी से छूट मिल सके, इससे निजात मिल सके। और बोलते हैं वैसे भी हिंदू धर्म के अंदर एक जो हमारी गौ माता है उसके अंदर करोड़ों देवी देवताएं वास करते हैं, ये तो किसी से छुपाने की बात नहीं है, और जो ये सेवा दल है इसी प्रकार से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। धन्यवाद।